दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल अपना भारत 21 में। दोस्तों प्लान बना है केदारनाथ जाने का और प्लान काफ़ी दिनों से था, आप लोगों को बताया नहीं गया था। और साथ में दोबारा चंद्रकांत दादा, ये नया मेंबर है जो लास्ट टाइम थोड़ा सा गोली दे दिया था इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में। प्रेम कौशल सर इस बार अपने साथ हैं, ये दादा के फ्रेंड हैं। और हम लोग निकल रहे हैं, हमको 4 बजे निकल रहे हैं हम लोग थाने से। केदारनाथ यहाँ से करीब हमको 2200-2300 किलोमीटर है, तो अब निकलेंगे यहाँ से और पहुँचेंगे। कब तक पहुँचते हैं देखते हैं। जय बोलेगी जय बोलेना। तो हमारी चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है थाने के घोड़बंदर रोड से। दोस्तों निकलने से पहले हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेक के यहाँ से निकलेंगे। हमारी यह यात्रा मुंबई से होके सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, देहरादून होके हम पहले जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। तो चार धाम यात्रा वैसे तो द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम को कहा जाता है, बट यह जो चार धाम की यात्रा है, छोटी चार धाम की यात्रा यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की है। यह यात्रा बाइक कार मुंबई से पूरी ट्रिप कंप्लीट करेंगे दोस्तों के साथ। हमारे दोस्त यार पिंटू बुढ़ा गए यार, तू थोड़ा काला करना चाहिए था ना यार, जब तुमको मालूम है जा रहे हम लोग। खाने का टाइम है, दाढ़ी दिख रहा है क्या? अरे सर दिख रहा है तुम्हारा, दाढ़ी दिख रहा है यार, ज्यादा आ गया। कितना रेट है? 105। गुजरात में आने का एक फायदा है कि हम लोग को 105 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। दोस्तों रात के बज गए 10, हम पहुंच गए हैं सूरत से आगे और डिनर के लिए रुके। पिंटू भाई अपने गोली खा रहे हैं, तो चलते होटल सहयोग, खाना खाते हैं, कुछ देखते हैं क्या है। और आज तो नॉन स्टॉप ड्राइव बनता है। चाय पिंटू खाने में क्या, आज खाना ख़त्म कर दिया यार। बोलो क्या बोलो, थोड़ा सा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, यह एक बहुत ही पुण्य का काम है, हमारे साथ बने रहिए और पुण्य का लाभ कमाएं। तो चलते हैं यात्रा पर, बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा पर। आपको हर जगह कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, जैसे भी हम रहेंगे आपको दिखाएंगे। और आप भी जब भी निकलें अगली बार अपनी यात्रा में, तो इस तरह यात्रा करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। तो दोस्तों चलिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और निकलते हैं अपनी यात्रा पर। जय भोलेनाथ। दोस्तों सुबह के बज गए 3, हम पहुंचे हैं गुजरात के हिम्मतनगर होटल आगमन। होटल आगमन में कॉफ़ी पियेंगे और चलेंगे। दादा गाड़ी में नींद मार रहे हैं, पिंटू भाई गए हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए 5:30, हम पहुंच गए उदयपुर के नज़दीक, उदयपुर नहीं नज़दीक मिलते। और गाड़ी प्रेम साहब चला रहे हैं और दादा अपने आगे बैठे हैं, दादा अपने गाइड हैं। और एक ये हमारे जिनके सर में बाल कम है और बीमारी ज़्यादा है, ये सोए। साढ़े पाँच में उजाले बहुत अच्छा हो गया।
दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8:30 और टेम्परेचर है, राजस्थान क्रॉस किया हमने भी, टेम्परेचर है 35। पिंटू भाई आ गए। पिंटू भाई कल एक डायलॉग मारा था आपने, वो आपने बीमारी के ऊपर, सर क्या बोला था आपने सर में, क्या सर में जितना बाल नहीं उतना मतलब बीमारी है इनके सर में जितने बाल नहीं उतनी ज़्यादा इनको बीमारी है, तो ये थोड़ा बीमार आदमी है। खाने के लिए रुके थे, कुछ होटल ठीक ठीक लग नहीं रहा है, थोड़ा और आगे चलेंगे और देखते हैं आगे कहाँ मिलता है, शायद अजमेर ही मिलेगा हमको ठीक ठाक से कुछ। गर्मी भयंकर है, ज़्यादा बाहर खड़े नहीं रहेंगे। तो दिन के बज गए हैं एक, हम पहुंच गए हैं करीब करीब जयपुर। जयपुर यहाँ से 100 किलोमीटर है। NH लंच करने रुके हैं NH8 पे, NH8 होटल। तो मजा आ रहा है, नॉन स्टॉप ड्राइव चल रही है, धूप मजा आ रहा है, धूप और गर्मी बहुत, गर्मी जोरदार है। देखो अगर इधर आ गए ना तो मुंह जल जाएगा, इसलिए इधर ठंडे में करना मजेदार एकदम। तो चलो खाना खाते हैं, NH होटल का आपको दिखाते हैं। ये नज़ारा है NH8, दिख तो बड़ा शानदार रहा है यार। एक अच्छा हुआ कि गाड़ी के लिए अपने को यहाँ पे शेड मिल गई है। और पिंटू भाई को जड़ी बूटी पकड़े हाथ में, पिंटू भाई क्या जड़ी बूटी हाथ में? यस यस हाँ। ये देखो गाड़ी अपनी ठंडी में, अपना टाइगर भी आराम कर रहा है। चलो वेज पार्टी वेज तो रहता है ना सबको, सब लोग थोड़ी नॉन वेज रहता है, कुछ लोग मेरे जैसे भी रहते दादा, प्योर वेज हाँ दादा, कुछ लोग मेरे जैसे भी रहते हैं। इनका लंच पनीर टिक्का दाल, ये दाल तो उड़ा दिया भाई ने, मेथी मलाई, मेथी मलाई पनीर और ये दाल, खाना टेस्टी है जबरदस्त। दादा अपना दाल राइस ऑलवेज उसका फेवरेट है। कुछ भी थोड़ा पनीर क्या पिंडी जी, कैसा लग रहा है खाने? ओनियन जी, अच्छा ओनियन खाना नहीं जी आपको, अच्छा ओनियन खाएंगे, बढ़िया टेस्ट। दोस्तों अपना लंच कंप्लीट हो गया है, लंच एक नंबर बेहतरीन था, मज़ा आ गया। NH8 का टीम को थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त खाना था, खाना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खाना। आप लोग जब भी ये रूट पे आओ तो NH8 में आओ, खाना खा जाओ। पिंटू जरा बाकी गाड़ी में जाएंगे, पिंटू जाओ जरा गाड़ी में जाओ यार जाओ, पिंटू में जाएंगे। देखो हमारे दोस्त शेर पहले चले गए, एकदम माहौल मस्त है, शाम का टाइम बड़ा ज़बरदस्त रहेगा शायद यहाँ पे। NH8 इसका सराउंडिंग, ये है होटल अपना NH8। लंच करके निकलो तो यहाँ से बाकी अपना करीब 650 किलोमीटर जो रात को हमको पहुँचाएगा, करीब 11:30 का टाइम दिखा रहा है, बट अभी तो कुछ फिक्स नहीं, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, कितनी गाड़ी चलाएंगे, कहाँ रुकेंगे ये कुछ फिक्स नहीं। हो सकता है हम देहरादून पहुँच जाए, या हो सकता है सुबह सुबह वहाँ से भी आगे निकल जाए, नॉन स्टॉप चले जाए, सब भोले बाबा की दया है। और अभी तक तो मज़ा है, खाना बहुत टेस्टी मिला, बहुत खाना, तो नंबर खाना, प्रेम की बड़ा तारीफ कर रहे खाने का, और मैं खुद भी मज़ा आ गया, मतलब 2 दिन से जो खाना नहीं खाया था कल से अभी तक का पूरा वसूल पैसा।
बम बम भोले मस्ती में डोले बम बम भोले बम भोले भोले के पास जाने की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, जा रहे हम लोग केदारनाथ धाम, बम बम भोले बाबा के पास। कल से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं, अभी कितने घंटे हो गए हमको, करीब हो गए हम लोग को 23 घंटे हो गए, 23 आवर्स से हम लोग कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं। मुंबई टू जयपुर पहुंच गए हम लोग, कल शाम को 4 बजे निकले थे थाने से, अभी जयपुर मजा आ रहा है। आगे सिग्नल है, ट्रैफिक में फंसे हुए हम लोग, जयपुर सिटी है, हमारे दो प्यारे मित्र खराटा खींच रहे उधर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं राजस्थान से आगे दिल्ली, यहाँ से करीब 180 किलोमीटर और है, और दिल्ली पहुंचने में हमें करीब 3 घंटे और लगेंगे। नॉन स्टॉप ड्राइव मुंबई टू दिल्ली, मज़ेदार थी यार, गर्म बहुत है, थोड़ा गर्म अपने को ज़्यादा हो रहा है, और अब निकलेंगे यहाँ से टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली जितनी जल्दी पहुँच सकें। हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट देहरादून तक जाएँ, तो देखते हैं ये नॉन स्टॉप ड्राइव हमारी कहाँ तक जाती है। तो चलो मिलते हैं ड्राइव पे। यार इंटर्ड इन दिल्ली कल निकले थे 8:30 बजे नॉन स्टॉप ड्राइव, 4:30 अब बज रहे हैं, आप देखो 8:30 कंटिन्यू ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए दिल्ली। बहुत मज़ेदार ड्राइव था, हमें ये ट्रेन सोई नहीं, आज सोई हम लोग दबा दी। चलो अभी तो और ध्यान है, अरे तो देखते क्या है क्या है। साथियों हम पहुंच गए हैं मोदी नगर, हम लोग देहरादून नहीं जा पाए, एक्चुअली थकान लग गई है। कंटिन्यू ड्राइव किया है हमने कल इवनिंग 4:30 से, कल 4:30 से अभी रात के बज गए हैं 10, हम लोग पहुंचे मोदी नगर, तो बहुत टायर्ड हो गए यार, लेकिन मज़ा आ गया, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आप लोग वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो यार, आगे आपको बहुत कुछ दिख रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल आपका अपना चैनल अपना भारत 21 पे। तो दोस्तों मिलते हैं कल मॉर्निंग में, कमरा दिखाता हूँ आपको, जो कमरा लिया हमने भी, ये है अपना कमरा, होटल शिवम मोदी नगर, तो खाली सोना है हमको, ये सब लगा हुआ है।